वालेकुम जी, अभी हम मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब में, जहां ख़वातीन सहाफ़ी सहाफ़त के मैदान से खेल के मैदान में उतर आई हैं। गेम्स खेल रही हैं, क्या गेम्स खेल रही हैं देखते हैं, क्योंकि ख़वातीन ने गेम्स का आगाज़ कर दिया है। चलिए ख़वातीन से मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या गेम्स खेल रही हैं। आइए जी, रिफत तो इंतज़ार कर रही हैं गेम के स्टार्ट होने का। रिफत जो है वो खेलेंगी बैडमिंटन, और रिफत जो है बैडमिंटन का इंतज़ार कर रही है। हीरा खेल रही हैं, हीरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा। बहुत मुश्किल में अभी बात नहीं कर सकती। कहाँ तक पहुँचे हो आपकी गेम, कहाँ तक पहुँची है? फातिमा भाग रही है, उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। अच्छा, आप यानी कि हार रही है, दिल बर्दाश्त हो रही है? नहीं नहीं, मैं अभी हारी नहीं, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, अभी तो सब चल रहे हैं, पता नहीं चला कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप पूरी उम्मीद हैं? पूरी उम्मीद भी नहीं हूँ, लेकिन बस गेम है, मज़ा आ रहा है। जी फातिमा, आप बताइएगा, आप पता चला आप जीत रही हैं? नहीं, कुछ नहीं पता, गेम में जब तक एंड ना हो जाए ना तो नहीं पता चलता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो अभी क्या पोजीशन? डोंट मेक हाई होप्स, अभी बस पता नहीं है। चले ठीक है, पता चल रहा है जी कि गेम जो है वो फातिमा नाजिर जीत रही है। हम चैनल से इनका ताल्लुक है, हीरा का ताल्लुक डांस से है, और हमारे साथ अनिला मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। जी सर अनिला, अनिला कहाँ तक पहुँची? फातिमा बिल्कुल नहीं जीतेगी, मार खाएगी, आखिर में मैं जीतूंगी मेल के भी। आपकी क्या पोजीशन? गेम्स हुई जिसमें सबसे आखिर में हूँ, लेकिन जीतूंगी मैं। बैडमिंटन, उम्मीद पे दुनिया कायम है और पूरी उम्मीद रहना चाहिए। अनिला का ताल्लुक खवातीन का टूर्नामेंट से था, आजकल फ्रीलांस के तौर पे काम कर रही हैं, और शाजिया निसार है एआरवाई से। इन गेम्स के अलावा जो है दूसरी गेम्स होंगी स्पोर्ट्स गाला में, बैडमिंटन के भी मुकाबले होंगे, उससे उसमें आपकी मुलाकात करवाएंगे प्लेयर्स के साथ, और उसके बाद जो है वो कैरम के मुकाबले होंगे। जी तो इसके साथ ही अनिला ने ये मैच जीत लिया है लूडो का, और दूसरी पोजीशन के लिए अब मुकाबला स्टार्ट हो गया है, जिसमें आहिरा और फातिमा और शाजिया निसार अब खेलेंगी, और देखते हैं दूसरी पोजीशन किसकी आती है। अब चलते हैं कैरम की तरफ। कैरम बोर्ड के मुकाबले में मैं यानी नसरीन जबीन और रफिया के दरमियान मुकाबला हो रहा है, और कांटेदार मुकाबला है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, तो पार्ट ऑफ गेम है, बहुत इंजॉय कर रही हैं हम दोनों ही, और देखते हैं कि अब फाइनली कौन पहली पोजीशन हासिल करता है और कौन दूसरी। हमारी कैरम के मुकाबला चल रहा है इस वक्त, और हम कैरम खेल रहे हैं, मैं और राफिया हैं, और मेरी ये गीतियाँ हैं, देखिए ये मैंने जीत ली हैं और राफिया ने भी जीत ली है। नहीं नहीं नहीं, ये दो राफिया ने खुद से उठा ली है। चलिए राफिया, आप बताइए आप कैसे फील कर रही हैं, गेम्स में इंजॉय कर रही हैं? गेम्स तो अच्छी है, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है, ठीक है, और गर्मी की वजह से इसलिए शायद थोड़ी सी गेम्स आगे पीछे हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि अभी शदीद गर्मी से वास्ता नहीं पड़ा। सहाफ़त के मैदान से खेल के मैदान में आना एक अच्छा वो है, क्योंकि इससे पहले मैं स्कूल में गेम्स खेलती थी और उसमें हमेशा विनर रहती थी, लेकिन काफ़ी अरसे बाद मैंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, और अच्छा है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया राफिया। अभी ये देखिए उधर जो है वो उधर जो है वो ये लूडो के चल रहे हैं मुकाबले, ये सेकंड पार्ट चल रहा है, विनर जो है वो अनिला शाहीन।
बैडमिंटन के मुकाबले हो रहे हैं रिफत शाह और अनीला के दरमियान ये देखिए शॉट्स लगा रही हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है मुकाबलों में रिफत जो है वो भी कोशिश कर रही हैं बहुत खुशगवार मूड में ये मुकाबले हो रहे हैं और दोनों खवातीन जो है वो जीतने की कोशिश कर रही हैं लक भी हुआ है और अनीला जो है वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है तो रिफत शाह जो है वो दूसरी पोजीशन पे आई हैं जी और खफा भी है और खुश भी है। रनर्स अप और दूसरी पोजीशन इनकी आई है जी रिफत क्या महसूस करिए कैसा फील करिए बहुत इस टूर्नामेंट के बाद बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अनीला हर साल जीत जाती है मुझसे और बड़ा अच्छा मौका होता है हमारी ख्वातीन साफ़ी गिनी चुनी है पेशावर में तो अगर उनके लिए इस तरह के गेम्स हों तो बड़ा अच्छा लगता है और लास्ट ईयर भी मैं रनर अप रही हूँ बैडमिंटन मुकाबलों के इस साल पर अनीला जीत गई है तो मुकाबला अनीला के साथ नहीं होना चाहिए था। हाँ कोई और होना चाहिए क्योंकि ऐसे में हम तो सहाफ़ी हैं हमसे खबरों में कोई आगे नहीं जा सकता गेम्स बेशक कोई जीत जाए कोई इशू नहीं है तो हम इसमें खुश हैं थैंक यू जी अनीला की तरफ जाती है अनीला जी अनीला कैसी रही आप दो गेम्स जीत गई हैं और दूसरों कैसी रही आप दो गेम्स जीत गई हैं और दूसरों को मौका नहीं दिया तो इस हवाले से क्या कहेंगी खेलना नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है और मैं जीत चुकी हूँ मैं पिछले साल भी जीत चुकी थी आपको पता है और मैं स्पेशली इफ्राबाद से आई हूँ सीएम के लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक दफा फिर रिफत को हरा चुकी हूँ अच्छा तो क्या आप कह सकती हैं जो खेल के मैदान में आई हैं खवातीन सहाफती मैदान से खेल के मैदान में आना कैसा लगा देखिए मैं मेरे ख्याल में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि ख़वातीन के लिए कुछ हो रहा है क्योंकि रोज़ाना की खबरों की बुनियाद पर अगर हम देखें तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है इस हवाले से आप थोड़ा सा खेल लेते हो और मैं यही कह रही हूँ कि रिफत इस वक्त फील्ड छोड़ चुकी है दूसरी जगह पे जा चुकी है लेकिन वो खेल रही है और मैं इफ्राबाद में मैं खेल रही हूँ लेकिन जो यहाँ की ख़वातीन है वो आके चली भी गई हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ख़वातीन खुद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती अदरवाइज़ आप लोगों की काविश है अप्रिशिएट करते बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी।